ये देखिए आप लोग देखिए ये देखिए संकट किस तरह से बढ़ती जा रही है। कभी ऐसा ना हो जैसे कैमला में आओ भाई जी जिस गांव में आपको शेयर कर दो उन्हें हाथ में शेयर कर दो गांव वाले सीख के आ जाओ अनाज मंडी में पहले गेट के सामने जो सारे अनाज मंडी में आ जाओ थोड़ी देर में टोल टैक्स जाने के लिए तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो किस तरह से कभी ऐसा ना हो जाए प्रशासन चौकन्ना हो जाए। आप शेयर करते चले जाओ और प्रशासन से चेतावनी और प्रशासन से आग्रह कि कैमला में भी आप लोगों ने गलतफहमी की थी और यहाँ भी आप लोग गलतफहमी कर रहे हो। जल्दी से मीटिंग के 5-6 आदमियों को बुलाओ और मामले को सुलझाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रदर्शन चला रहे हैं जी, इन्होंने गलतफहमी के शिकार हुए थे कैमला में। बिल्कुल हमने बार बार कहा, प्रार्थना करी भाई ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो और आज भी यही बात करते हैं क्योंकि आक्रोश है, गुस्सा है किसान को। क्या अधिकार नहीं है लंगर लगाने का? हमारा अधिकार है पूरा। कौन फ्री रहेगा, लंगर में ही लगेगा और धरना में ही चालू होगा। आपका पूरा नाम? सतीश कलसोना, युवा का प्रधान करनाल जिले का। चलो चलो, क्या आपको लगता है इसमें जो हरियाणा सरकार है वो जिम्मेवार है इस चीज में? पूरे हरियाणा सरकार की भूमिका कैसे देख रहे हैं? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है। हरियाणा सरकार जो चाहती है ये कभी आंदोलन खत्म हो जाता। जो दुष्यंत बैठा है नहीं, इसने सारे काम की काम खराब करा किसानों के लिए। कहता मैं किसान देसी हूँ, किसानों का पोता हूँ। मैं तो इससे दुष्यंत को यह बात कहता हूँ, अपने झंडे से अपने पोस्टर से ताऊ देवीलाल का फोटो उठा दे, क्योंकि किसान को बदनाम मत कर। ठीक है, धन्यवाद। किसी ने भी किसी से
दखलबाजी नहीं करनी। हमारा काम जैसे शांति प्रिय चल रहा है, कल टिकैत साहब को देख लो, गाजीपुर बॉर्डर पे सिर्फ 400 बंदा रह गया था, अगले बंदे ने फिर बिछड़ी मत खाई है, अपना पानी खोया, लोग भी पहुंच गए और सारा दोबारा भी मजबूत हो गया। चलेंगे और एक चीज आ जाओ, जहाँ जहाँ भी है वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो टूल टैक्स के दस्ताड़ा टूल टैक्स जो करनाल के नाल पैंदा है उत्थे लंगर बंद करवा दिता गया सी ते उसका धरना चुकवा दिता गया सी, उस नूं दुबारा शुरू करवाउण लई कैप्टन जो बंदा करनाल दे विच पैंदा है उधर उत्थे कट दिता गया है चालू करवाउण लई। प्लीज चलती वीडियो अगे दे के शेयर शुरू कर दो। एक हाथ जोड़ के बेनती करूंगा सारों के सामने, राम से जाना है, गड्डिया पार्किंग करनी है, नाले चिड़ी रोड जाम होने देना, और यहाँ इधर से जाओगे तो अपनी साइडी रोड लेना, और मैच आ जाएंगे 10-15 मिनट में, सारों ने राम से बैठ जाना, अपनी नेता आप आपने आज एक बीजेपी सरकार जो उसने जो कि एक अपनी चाल चली सी कि जो लंगर बंद करवा दिता गया सी टोल टैक्स बस्ताड़ा टोल टैक्स ताकि कोई आंदा जांदा कोई लंगर ना छक सके, कोई पंजाब के ट्राली कोई लंगर ना छक सके, लेकिन तुहानू पता ही है कि कभी भी बंद नहीं हो सकता। प्लीज चालू वीडियो में बहुत बहुत शेयर करो ताकि अपने दुनिया खुद करो, ये लंगर वाले अकेलों की ड्यूटी नहीं है, हमारी सारों की ड्यूटी है, 100 आदमी हमारा रात को भी टेंट में रुके करेगा, उसके लिए एक एक पर हौसला करने पड़े, इस चीज का सारों का ध्यान रखना है, और जो ये 3 लंगर देना इनको भी निवेदन करूंगा, ये एक लंगर चलाएंगे भाई, एक लंगर चलेगा, कोई अलग अलग लंगर नहीं चलेगा, तीनों लंगर एक करके और रात की ड्यूटियां भी रखेंगे, और सारों ने जो इसमें सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और एक बार नारे लगवाऊंगा भारतीय किसान यूनियन।